भाई साहब 9 बज रहे हैं और हमें जाना है आर्चिक को लेने के लिए, और पहले जल्दी से खाना खा लेते हैं फिर आर्चिक को लेने जाएंगे, ठीक है? तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं। तो एक्स्ट्रा लाइट्स कर देते हैं बंद और अब खाते हैं खाना, चलिए। तो गाइज आज मैंने बनाया है दाल चावल, चने की दाल है और राइस बनाया है। तो ये मैंने बनाई है दाल राइस और अब लेते हैं दाल राइस का मज़ा। चम्मच भूल गई, अब दोबारा से किचन में जाना पड़ेगा। चलिए चम्मच ले आते हैं। Here is spoon. स्पून ले ली है, अब खा लेते हैं खाना। तो गाइस खाना खा लिया है और पानी की बॉटल्स भी भर ली है और यहाँ चल रहा है व्लॉग। तो यहाँ चल रहा है बबीताज ग्रीन प्लैनेट का व्लॉग। बहुत अच्छे व्लॉग्स होते हैं, अगर आपको देखना है एंटरटेन होता है। ये देखिए, ये लगी आर्चिक में लात लगी है। अगर आपको इसी टाइप के व्लॉग्स देखने हैं ना, तो आप बबीताज ग्रीन प्लैनेट पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और व्लॉग्स देखिए। मस्त वाले व्लॉग्स आप देख सकते हैं। भाई साहब इतनी धूल हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे धुंध हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा? देखो कितनी धूल, देखो भाई साहब इस ट्रक ने किया अभी स्टंट, दिखा नहीं लेकिन वो, ये देखिए धूल, पूरा धूल से भरा हुआ। अंदर एसी से ठंडा हो रहा है और बाहर धूल उड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है सर्दियां हो रही है और फॉग आ रही है बार बार। ये देखिए जब से चल रहे हैं ना हम लोग, तब से ट्रक ही ट्रक आ रहे हैं, और ट्रक इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में नो एंट्री जो है 10 बजे खुलती है, उसके बाद धड़ल्ले से ट्रक दिल्ली में घुसेंगे और अपना काम करेंगे। हेलो, हाँ जी, अच्छा ठीक है, हम पहुंचने वाले हैं 10 मिनट में, 10 मिनट लगेंगे ना हमें, 10 मिनट लगेंगे बस, ठीक है। तू कितनी देर में पहुंचेगा? अच्छा ठीक है, इतनी देर हमें लगेगी, आ जा। ठीक, हम इधर लिफ्ट की तरफ नहीं है, हम सीढ़ियों की तरफ है, ठीक है? सीढ़ियों से थोड़ी सी आगे गाड़ी खड़ी है, दिख जाएगी तुझे, आ जा फटाफट। कहाँ पे पहुंच गया? ठीक, क्यों मतलब ऐसे क्यों कह रहा है? अच्छा आई नहीं अभी, ठीक है वेट कर रहा है, ठीक है चला जाओ। इसकी आवाज कम करना, भाई साहब आ गया। मुझे तो दिख रहा है, आपको नहीं दिखेगा। ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आ गया, ये देखिए, ये खोल ली भाई खिड़की, ये आ गए भाई साहब, राम राम, राम राम, वेलकम टू गाड़ी। मैंने तुझे वहीं से पहचान लिया था, सीढ़ियों से। अलग दिख रहा हूँ मैं। हाँ एकदम ऐसा लग रहा था हीरो आ रहा है क्या। तो भाई साहब हम लोग आ चुके हैं घर पर और 11:30 बज गए हैं, काफ़ी लेट हो गए। रास्ते में जाम मिल गया, उसने और ज़्यादा लेट कर दिया। चलिए अंदर चलते हैं भाई साहब, तो मिलते हैं सुबह। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय।
तो चलिए इसी बात पे आज अर्ज करते हैं। शक करना गलत था, शक करना गलत था, मगर अफसोस शक बिल्कुल सही था। हाय गाइस, राम राम जी, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। कैसे हैं आप? खूब अच्छे होंगे। मैं यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अब थोड़ी सी धूप निकल आई है और उस धूप से ना तपिश हो गई है अच्छी सी, मींस ह्यूमिडिटी हो गई है। बाकी मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था, अब तो मेरे से बाहर नहीं खड़ा हुआ जा रहा, बट मौसम अच्छा हो रहा था इसी वजह से तो मैं थोड़ा सा चली गई गाड़ी में वॉक करने के लिए। मतलब हम लोग चले गए ऐसे ही घूमने, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा था और हमारे आसपास का जो एरिया ना उसमें जो ग्रीनरी है ना, और भाई साहब जो फूल खिले हुए हैं, मतलब ब्यूटी जिसे कहते हैं ना नेचर्स ब्यूटी, वो नेचर की जो ब्यूटी आज मैंने देखी ना, उसको मैं कैप्चर करके लाई हूँ आपके लिए। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगे तो ऐसे ही निकल जाना, कोई बात नहीं। तो चलिए दिखाती हूँ आपको, इतने प्यारे प्यारे फूल, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पर, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं व्लॉग बनाने से ना रोक ही नहीं पाई अपने आप को, और मैंने वीडियो शूट कर ली। और इतनी खूबसूरती, इतनी खूबसूरती कि नेचर के अलावा घर में आप उसे नहीं रख सकते। आप रोड साइड पर जब देखेंगे ना तो भाई सब दिल को छू लेने वाले सीन थे, बहुत ही अच्छे लगे। चलिए देखिए, तो भाई साहब एक ब्यूटीफुल सा नज़ारा मैं अपने गार्डन में भी दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही प्यारे से और खूबसूरत से रेन लिली के फ्लावर्स खिले हैं, जो कि मुझे तो बेहद पसंद है। देखिए ये देखिए, लग रहा है ना खूबसूरत। ये देखिए कितने प्यारे और खूबसूरत फूल है, एक इधर है, एक इधर है, और दो बड़ ये आ रही हैं। और ये देखिए, ये छोटा वाला रेन लिली है, इसमें छोटे छोटे फूल आते हैं। ये देखिए देख पा रहे हैं ना, बहुत ही छोटे छोटे से फूल आते हैं इसमें, और इसमें बड़े वाले फूल आते हैं। बहुत ही प्यारा, ब्यूटीफुल, और बहुत ही ज़्यादा आई डोंट नो क्या है ये। और ये देखिए मेरी कटिंग वाले रोज़, उसमें गुड़हल में भी फूल आ गए हैं। ये देखिए, ये वो है जिसमें, ये है गुड़हल का जो कि मैंने कटिंग से बनाया था पौधा, ये इसकी कटिंग बनाई हुई है इसमें से, ठीक है, उसमें खिला हुआ और बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा है। ये वेरिएटेड लीफ वाला है, और इसमें एक चीज़ दिखाई दे रही है मुझे, आप दिखाती हूँ यहाँ से। भाई सब बच के देखो, यहाँ बारिश का पानी भर गया। और चलिए यहाँ टार्जन ना हो, बस मुझे उसका ही डर लग रहा था। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए डबल शेड में फूल आया है भाई साहब। ये देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत फूल है, वाओ वाओ वाओ। डबल शेड है, देखिए ये देखिए, ये तो अब मस्त मौला हो रहे हैं, बड़े जा रहे हैं, बड़े जा रहे हैं। तब से तो आलस में बैठे थे, पूरा साल हो गया ना बैठे बैठे, और अब देखिए एक नई शूट इधर आ गई है इसमें। वाओ लग रही है, वाह बड़ो बेटा बड़ो। ये है चंपा के फूल, रेड चंपा है, और इसके फूल इतने ही खिल रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है इसमें समझ में नहीं आ रही भाई साहब मुझे तो। मतलब पूरा फूल नहीं खिल रहा है, ऐसे ही खिल रहा है बस, बट बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए यहाँ से जो बंदर ने तोड़ दिया था ना, उसमें से अब शूट्स आ रही हैं, तो हो सकता है इसमें भी फूल आ जाए। और आज मैंने ये मोगरे के फूल नहीं तोड़े, इसे तोड़ लेती हूँ आज भाई साहब। ये देखिए पसीने आ गए हैं। यहाँ पर सुबह जो है ना, मैं दिखा नहीं पाई आपको, इसमें कम से भी कम 7-8 फूल खिले हुए थे। ये गुड़हल के जो होते हैं ना हिबिस्कस, बड़े वाले हाइब्रिड, वो फूल खिले हुए थे। और बंदरों का इतना तगड़ा आतंक था आज कि भाई सब सारे फूल ख़त्म कर दिए। ये देखिए एक फूल तो ये खिला हुआ है इधर, टार्जन तू मत आ जाइए बस। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा फूल है। और ये देखिए इधर बड़ आ रही हैं, और बहुत सारे फूल यहाँ खिले हुए थे आज सुबह। मैं सोच रही थी वीडियो बनाऊँ आपको दिखाऊँगी, उससे पहले ही बंदर कर गए काम को। चलिए ये फूल तो एंजॉय कर ही लिया हमने, कोई बात नहीं। एक झलक चलिए लिली की दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए भाई, लग रहा है ना खूबसूरत।
चिड़िया की आवाज़ सुन रहे हो? इस तरह से वहाँ पे भी चिड़िया बहुत ज़्यादा बोल रही थी, बट मैं रुक के नहीं वीडियो बना पाई, थोड़ी जल्दी थी बस इस वजह से। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो